काफी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जस्ट टू इंश्योर दैट एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द रूल ऑफ कंडक्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस इन लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल वे एंड इन एथिकल मैनर। सो हम चाहेंगे कि इस ट्रेनिंग से आप समझें कि क्या क्या तरह की वॉयलेशन है, डिजिटली आप अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ई कॉमर्स और रिटेलिंग जिसमें रिस्ट्रिक्शन है उसमें आप क्या चीजें हैं उसको ध्यान कर सकते हैं जब भी आप ऑनलाइन सेलिंग की बात करें। और सबसे जरूरी हमें ये समझना है कि एज अ लीडर आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जैसा कि मैंने बोला सिर्फ कंपनी की तरफ से ही नहीं, एज अ ब्रांड पार्टनर्स के भी काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। और एज अ लीडर आपको इंश्योर करना है कि आपके ग्रुप, आपके जो पर्सनल ग्रुप हैं, सब लोग रूल ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को स्ट्रॉन्गली फॉलो करें। अगर कोई भी वॉयलेशन होती है रूल ऑफ कंडक्ट में, सो एज अ लीडर उसका डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। इसीलिए हमने ये सेशन किया है कि एज अ लीडर आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और इंश्योर करें कि जो रूल ऑफ कंडक्ट है वो आपके पूरे ग्रुप में सब लोग फॉलो कर रहे हैं। इस पीपीटी के अलावा हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो कि हम आपसे बाद में शेयर करेंगे, ताकि आप अपने ग्रुप में सबको एजुकेट कर सकें रिगार्डिंग कोड ऑफ एथिक्स एंड रूल ऑफ कंडक्ट। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू रूल ऑफ कंडक्ट, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन वो सारे क्वेश्चंस लिख लें, और जैसे ही सारी प्रेजेंटेशन हम लोग खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग वन बाय वन वी विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस। सो आई एनकरेज एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग केयरफुली, कीप योर क्वेश्चंस फॉर अ लेटर सेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ओवर टू यू साक्षी। Thank you so much, Vivek. I'll just proceed with this. So, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम पूछते हैं अपने आप से और कंपनी से कि क्यों रूल्स ऑफ ये कोड ऑफ एथिक्स एंड जो रूल्स ऑफ कंडक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्या इनकी वैल्यू है हमारी कंपनी में, हमारी लाइफ में, और किस तरह से ये रूल्स जो हैं वो हमें हेल्प कर सकते हैं आगे ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहला रीजन जो है इन रूल्स का कंपनी में होने के लिए, उसका रीजन है ये रूल्स हमारे राइट्स, हमारी ड्यूटीज और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एस्टैब्लिश करते हैं, यानी कि हमें बताते हैं कि क्यों ये रूल्स हमारे लिए जरूरी हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा राइट क्या है, हमारी एज अ ब्रांड पार्टनर, एज अ लीडर हमारी क्या ड्यूटी है कंपनी की तरफ, हमारे फेलो ब्रांड पार्टनर्स की तरफ, और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी तरफ। और ये रूल्स इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि सबको एक बराबरी का मौका दिया जाए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, और आपकी जो इनकम अपॉर्चुनिटी है जिसे हम सक्सेस प्लान कहते हैं वो हम सही तरीके से सब बराबरी से उसको फॉलो कर सके। इसलिए ये रूल्स जो हैं वो हम इस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, कंपनी में लाते हैं, ताकि हमारे साथ जुड़ने वाला हर लीडर उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सही रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ड्यूटी को समझकर उसको फॉलो करे और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि सबको एक बराबरी का मौका मिले अपना बिजनेस सही तरीके से बढ़ाने के लिए। इन रूल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या रीजन है इन रूल्स को लाने का? तो इनका ऑब्जेक्टिव होता है हमारे ब्रांड पार्टनर्स और डायरेक्टर्स के साथ बने हुए रिलेशनशिप का, उनकी एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ब्रांड पार्टनर की अपने डायरेक्टर के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक डायरेक्टर की अपने ब्रांड पार्टनर को लेके, अपनी डाउनलाइन को लेके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन रूल्स का ऑब्जेक्टिव है। और साथ ही साथ हमारे कोड ऑफ एथिक्स की जो रूल्स हैं वो बताने का, उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डायरेक्टर्स की होती है, ताकि वो अपने साथ जुड़ने वाले नए ब्रांड पार्टनर्स को ये समझा सकें, ये बता सकें कि क्या रीजन है कि हमारा बिजनेस क्या सही, किस तरीके से सही तरीके से ग्रो कर सकता है और वो आगे किस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं।
तो हमारे रूल्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे ब्रांड पार्टनर्स और डायरेक्टर्स आपस में मिलकर एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करें, सही तरीके से ग्रो करें और अपना एक बिजनेस अच्छे से खड़ा कर सके। ताहिर, डू यू वॉन्ट टू ट्रांसलेट इट? Let's proceed. Okay. And सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हम अगर COE के रूल्स के बारे में बात करें तो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारी कंपनी में, जो हमने देखा है कि हमारे ब्रांड पार्टनर्स अनजाने में गलती कर बैठते हैं, और कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं वो जो बहुत ही ज्यादा उनसे ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर उनके पास एक सही गाइडेंस रहेगी, उन्हें पता होगा कि कौन कौन से रूल्स हैं जिन्हें उन्हें सही तरीके से फॉलो करना है, तो वो उसको सही तरीके से समझकर फॉलो कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ रूल्स हैं पोचिंग, डबल ज्वाइनिंग, रिलेटिव ज्वाइनिंग, स्पाउस ज्वाइनिंग, रिटेलिंग, ई कॉमर्स एंड सोशल मीडिया, डिफेमेशन, डिजिटल गाइडलाइंस वायलेशन और नेगेशंस। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो हम बात करेंगे पोचिंग की। पोचिंग का मतलब है कि कोई भी ओरिफ्लेम का ब्रांड पार्टनर अगर एक नेटवर्क में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और उस नेटवर्क को छोड़कर वो किसी दूसरे नेटवर्क से किसी और ब्रांड पार्टनर को अपनी तरफ जुड़ने के लिए किसी तरह का लालच देता है, या कुछ बिजनेस का पॉइंट ऑफर करता है, या किसी भी तरह की सैलरी या इंसेंटिव अगर ऑफर करता है अपने नेटवर्क में लाने के लिए उसको, तो उसे पोचिंग कहा जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है एक बिजनेस करने का। अगर आप ओरिफ्लेम में ऑलरेडी एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो आपको उसी नेटवर्क का पार्ट बने रहना है। आप दूसरे किसी नेटवर्क में तब तक नहीं जुड़ सकते जब तक आपकी एक आईडी ऑलरेडी एक्टिव है, ना ही आप किसी एक नेटवर्क में जुड़े रहकर किसी दूसरे नेटवर्क में से किसी और को किसी तरह का लालच देकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ पोचिंग के बारे में मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आप किसी को इस रूल के तहत अगर आप बोलते हैं कि आप उनको ज्वाइन नहीं करवा सकते, लेकिन आप अगर उनको कहते हैं कि आप अपना काम छोड़कर हमारे साथ जुड़ जाइए किसी सैलरी बेसिस पर और हम आपको एम्प्लॉय बना लेंगे अपना जब तक आपकी पुरानी आईडी टर्मिनेट नहीं हो जाती, तो वो करना भी बिल्कुल ही गलत है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो आपके अगेंस्ट कंपनी जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगी। पोचिंग के बाद अगर हम बात करें तो आता है डबल ज्वाइनिंग। डबल ज्वाइनिंग का मतलब है कि एक समय पर दो एक्टिव आईडीज होना, चाहे वो एक नेटवर्क में हो चाहे वो अलग अलग नेटवर्क में हो, वो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। एक टाइम पर एक ही एक्टिव आईडी किसी भी ब्रांड पार्टनर की हो सकती है, चाहे वो सेम ग्रुप में हो चाहे वो अलग ग्रुप में हो। अगर वो अलग ग्रुप में होगी तो भी उनकी बाद वाली आईडी जो है उसे गलत मानकर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर वो एक ही नेटवर्क के अंदर अपनी दूसरी आईडी बना लेते हैं तो भी उनको गलत मानकर दूसरी आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जब तक आपकी एक पहली आईडी 12 महीने तक इनएक्टिविटी की वजह से टर्मिनेट नहीं हो जाती है, तब तक आप कोई दूसरी आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी दूसरी आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपका वहां पर बिल्ड किया हुआ जो भी नेटवर्क होगा, जो भी लोग आपने जोड़े होंगे अपने साथ अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो सारे के सारे लोग जो हैं आपके उस लाइन के स्पॉन्सर को दे दिए जाएंगे और वो आपके साथ आपकी पहली आईडी में वापस नहीं आएंगे। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप कहीं भी दूसरी आईडी ना बनाएं। एक टाइम पर सिर्फ एक ही आईडी बनाना अलाउड है। डबल ज्वाइनिंग के बाद बात करें तो हम आते हैं रिलेटिव ज्वाइनिंग की तरफ। रिलेटिव ज्वाइनिंग जो है उनका मतलब है हमारे परिवार के लोग, यानी कि हमारे अगर बच्चे हैं या हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे भाई बहन हैं या हमारे इन लॉज हैं, अगर वो ऑलरेडी
किसी ब्रांड पार्टनर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपके साथ ही जुड़ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक ब्रांड पार्टनर हैं तो आपके परिवार का कोई भी मेंबर आप ही के नीचे, आप ही के लाइन में डायरेक्टली स्पॉन्सर होना चाहिए। अगर वो किसी भी दूसरे नेटवर्क में गए तो उनकी आईडी को वहां से आपके पास वापस लाया जाएगा और वो अपना जो बनाया हुआ नेटवर्क होगा वहीं पर अपने ओरिजिनल स्पॉन्सर को देकर ही आपके पास वापस आएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो आपके परिवार का कोई भी और मेंबर किसी दूसरे नेटवर्क में ज्वाइनिंग नहीं कर सकता है। रिलेटिव ज्वाइनिंग के बाद हम बात करते हैं स्पाउस ज्वाइनिंग की, यानी कि हमारे हस्बैंड एंड वाइफ को जिन्हें हम स्पाउस कहते हैं, इनमें से कोई एक ही मेंबर जो है वो ब्रांड पार्टनर बन सकता है और दूसरा मेंबर, अगर दूसरा पार्टनर चाहे तो वो उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपकी मदद कर सकता है, लेकिन उसका ओनर वो ओरिजिनल मेंबर जिसके नाम पर आईडी बनी है वही रहेगा। दोनों की आईडी अलग अलग नहीं हो सकती है, चाहे वो कोई और नेटवर्क हो या सेम नेटवर्क हो। उन एक हस्बैंड और वाइफ में से दोनों में से सिर्फ एक ही को आईडी बनाने की परमिशन है, क्योंकि हम उन्हें एक टीम की तरह कंसिडर करते हैं, हम उन्हें दो अलग अलग लोगों की तरह नहीं कंसिडर करते, इसलिए उनको सिर्फ एक ही आईडी दी जाएगी। अगर वाइफ ने पहले ज्वाइन किया हुआ है तो उनके हस्बैंड यानी कि उनके शौहर जिन्हें हम कहते हैं वो उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और अगर एक शौहर के नाम से आईडी बनी हुई है तो उनकी वाइफ जो है वो उसी के उन्हीं के साथ जुड़कर उस आईडी में काम कर सकती हैं, लेकिन वो अलग आईडी अपनी नहीं बनवा सकती हैं। अगर ऐसा होता है कि आप कहीं पर दो अलग अलग आईडीज बनाते हैं तो आपकी दूसरी आईडी जिसकी भी बाद में बनी होगी उसको कंपनी स्ट्रेट अवे टर्मिनेट कर देगी और उनका बनाया हुआ नेटवर्क जो है वो उनके ओरिजिनल स्पॉन्सर को दे दिया जाएगा, उनके हस्बैंड के पास यानी उनके शौहर के पास वापस नहीं आएगा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक मेंबर है तो आप उन्हीं के साथ जुड़कर उनकी मेंबरशिप में काम करेंगे, एक अलग आईडी नहीं बनवाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आते हैं कंपटीशन ज्वाइनिंग पे, यानी कि दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बारे में अगर हम बात करें तो हम सीनियर मैनेजर एंड अबव यानी सीनियर मैनेजर से ऊपर अगर बन गए हैं, या तो सीनियर मैनेजर या फिर उनसे ऊपर डायरेक्टर, गोल डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, या हम उससे ऊपर किसी भी लेवल पे पहुंच गए हैं तो हम किसी भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े नहीं रह सकते हैं। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम सीनियर मैनेजर या उससे ऊपर बन गए हैं ओरिफ्लेम के साथ, तो हमें कंपनी इजाजत नहीं देती है कि हम किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ सकें। लेकिन अगर हम सीनियर मैनेजर से कम के लेवल पर हैं तो हम किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम उस किसी दूसरी भी कंपनी का काम ओरिफ्लेम के नेटवर्क में आकर या ओरिफ्लेम के लोगों के सामने ना करें। हमें दोनों बिजनेसेस को अलग अलग रखना होगा। अगर हम कहीं से भी ओरिफ्लेम के लोगों को किसी दूसरी कंपनी के बारे में बताते हैं तो वो गलत होगा और ऐसा करने पर कंपनी आपकी आईडी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सीनियर मैनेजर बन चुके हैं तो आप किसी भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े नहीं होने चाहिए, ना आप ना आपके स्पाउस आप उस किसी दूसरी कंपनी के साथ जोड़ने चाहिए, क्योंकि हमने जैसे बताया कि आप एक ही आइडेंटिटी हैं दोनों की। तो आपको ये याद रखना है कि आप ना आपके हस्बैंड या आपके वाइफ किसी दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आते हैं रिटेलिंग की तरफ। रिटेलिंग का मतलब है किसी भी दुकान पर से सामान को बेचना, किसी भी तरह की दुकान हो सकती है, चाहे वो दवाई की दुकान हो, कोई केमिस्ट शॉप हो, कोई ग्रोसरी या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर जहां पर एक जनरल स्टोर होता है जहां नॉर्मल घर का सामान मिलता है, उस तरह की भी किसी दुकान पर ओरिफ्लेम का सामान बेचना बिल्कुल मना है।
किसी भी तरह के काउंटर पर से ओरिफ्लेम का सामान की बिक्री करना, उसकी सेल करना की परमिशन ओरिफ्लेम नहीं देता है, चाहे वो दुकान मॉल में हो या नॉर्मल मार्केट में हो, पर वहां पर से ओरिफ्लेम का सामान बेचने की परमिशन नहीं है। ना ही आप कभी किसी ओरिफ्लेम के सामान का बल्क स्टॉकिंग करके उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर किसी और को बेच सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की दुकान पर से ओरिफ्लेम का सामान आपकी तरफ से नहीं बिकना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट की। अगर हम बात करें तो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर ओरिफ्लेम का सामान बेचने की परमिशन नहीं है। ना आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, ना ही कोई थर्ड पार्टी की बनाई हुई ई कॉमर्स की वेबसाइट पर आप सामान ओरिफ्लेम का बेच सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो कंपनी आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, जो इमीडिएट सस्पेंशन और इमीडिएट टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो जब आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट पर ओरिफ्लेम का सामान नहीं बेच रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आते हैं डिफेमेशन की तरफ। डिफेमेशन का मतलब है ओरिफ्लेम के नाम से जुड़ी हुई बातों को कुछ गलत तरीके से कहना, या किसी भी ओपन फोरम में ओरिफ्लेम के बारे में, या ओरिफ्लेम की पॉलिसीज के बारे में, या ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के बारे में, या मैनेजमेंट के बारे में, ओरिफ्लेम एज अ कंपनी के बारे में कुछ भी गलत तरीके की बात कहना, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे वो फेसबुक का कोई ग्रुप हो, या कोई और सोशल मीडिया का ओपन प्लेटफॉर्म हो, आपको ओरिफ्लेम के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं कहनी है। अगर आप हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं, आपको कोई कंप्लेंट है, अगर आपका कोई ऑर्डर नहीं आया है, या आपके नेटवर्क में किसी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो किसी ओपन प्लेटफॉर्म में जाकर लिखने की बजाय आप ओरिफ्लेम के कस्टमर सर्विसेज को या ओरिफ्लेम की कोड ऑफ एथिक्स टीम को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, उन्हें बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ताकि आपकी प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन वो आपको हमारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बता सके। अगर आप अननेसेसरीली बोलना चाहूंगा साक्षी, ये डिफेमेशन का जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है। हमारे बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट जैसे ओरिफ्लेम का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो एक गाइडलाइन है वो है रिस्पेक्ट। सो आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें, उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट दें। ये जरूरी नहीं है कि आप एग्री हो, लेकिन आप किसी गलत भाषा का या किसी गलत टेक्निक का उपयोग ना करें किसी को भी डिफेम करने के लिए। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द मैनेजमेंट और यू नो एनीवन, इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू द अदर ब्रांड पार्टनर्स जो कि दूसरे नेटवर्क के हैं। सो अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सो आप उसके नोटिस में लाइए ओरिफ्लेम मैनेजमेंट के, ऑनलाइन आप उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट कीजिए। बट व्हाट इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम एवरीवन और व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरीवन इज टू रिस्पेक्ट everyone's dignity. Sakshi. Thank you. And जैसे मैंने और विवेक ने बताया कि ये बहुत ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप किसी भी तरह की अगर आपको कंप्लेंट है, कोई किसी तरह की आपको शिकायत है, तो वो सही तरीके से बताएं, ना कि कोई किसी के खिलाफ नेगेटिव या कोई गलत तरीके की बात कहीं पर लिखें, क्योंकि आप जब ओरिफ्लेम से जुड़े हुए हैं तो अगर ऐसा करने पर अगर ओरिफ्लेम के नाम के साथ साथ आपका नाम भी इसमें आता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप या ओरिफ्लेम का नाम किसी भी तरह से किसी भी गलत बात के साथ जुड़े। और साथ ही साथ इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमारा ओरिफ्लेम का जो बिजनेस प्लान है, जो सक्सेस प्लान जिसे हम कहते हैं, उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन आप ना करें, ना ही अपनी ओर से कोई भी बिजनेस प्लान बनाकर अपनी टीम को समझाएं। आप एग्जांपल्स के तरह अपने टीम को किस तरह से ग्रो करना है वो जरूर समझा सकते हैं, लेकिन ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान में किसी भी तरह की
जो मॉडिफिकेशन है वो कंपनी आपको करने को अलाउ नहीं करती है। और अगर कोई भी ऐसा इंसान हमें मिलता है जहां पर वो बिना किसी वजह के कोई डिफेमिंग कर रहा है या किसी के लिए गलत बोल रहा है, तो कंपनी पूरा राइट रखती है कि आपकी आईडीज को की तरफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जो कि सिर्फ सस्पेंशन तक नहीं बल्कि टर्मिनेशन तक भी हो सकते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें। हमारे पास बहुत सारे मीन्स हैं आपकी कंप्लेंट्स को लेने के लिए। हमारी COE की ईमेल एड्रेस पे आप लिख सकते हैं, हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर में आप बात कर सकते हैं, और हम टाइमली आपकी हर कंप्लेंट को रिजॉल्व जरूर करेंगे। डिफेमेशन के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है सोशल मीडिया के कुछ रूल्स। सोशल मीडिया एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे बहुत सारे ब्रांड पार्टनर्स, ऑलमोस्ट हर ब्रांड पार्टनर हमारा सोशल मीडिया पे हमसे जुड़ा हुआ है। और पिछले कुछ महीनों में जो सिचुएशन हमने देखी, जहां हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, हम सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे, एक दूसरे को जान पा रहे थे, तो ऐसे केसेस में हमने देखा, ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला, जहां पर हमारे ब्रांड पार्टनर्स जो हैं वो अपने बिजनेस की और ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी तरीके से प्रमोशन कर रहे थे, पर कुछ अनजाने में कुछ उनसे गलतियां हो रही थी। उन्हें पता नहीं था कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल किया जाए। इसलिए मैं आपको कुछ रूल्स हैं हमारे सोशल मीडिया के जो बताना चाहूंगी कि अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं कुछ प्रमोशन करने के लिए ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स की, तो किस तरह उसको, तो अगर हम सोशल मीडिया पर जाते हैं तो सबसे पहले हम वहां अपना पहले उस अकाउंट में एक नाम लिखते हैं, उस अकाउंट को एक नाम देते हैं। ये ध्यान है कि चाहे उस प्रोफाइल का पिक्चर हो या उसका नाम हो, उसमें ओरिफ्लेम वर्ड कहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पिक्चर लगा रहे हैं तो वो आपकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, जिससे कि ये ना लगे कि वो एक ओरिफ्लेम का पेज है, आप उसके ओरिफ्लेम का कैटलॉग का या लोगो का पिक्चर इस्तेमाल ना करें। अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, अपने नाम से एक अकाउंट बनाएं, ताकि आप उस अकाउंट का इस्तेमाल करके ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स का आप प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओरिफ्लेम के नाम से अकाउंट बनाएंगे तो वो ऐसे लगेगा कि वो ओरिफ्लेम का ऑफिशियल पेज है, ना कि आपका अपना पेज। तो आपको ये ध्यान रखना है आप उसका पिक्चर और उसका उस अकाउंट का नाम जो है वो अपने ही अपने पर्सनल उस पे रखें। अगर आप कोई कैची सा नाम रखना चाहते हैं अपने अकाउंट का तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप उसमें ओरिफ्लेम वर्ड कहीं भी इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आता है कंटेंट। हम अगर प्रोफाइल बना चुके हैं तो उसमें हम किस तरह की चीजें लिख सकते हैं, किस तरह की चीजें हम शेयर कर सकते हैं। तो आपने ओरिफ्लेम के साथ अपनी जुड़ी हुई जो भी आपकी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो आप उस प्रोफाइल में शेयर करें। आप बताएं कि किस तरह ओरिफ्लेम से जुड़े, आपने ओरिफ्लेम के साथ क्या फंक्शंस अटेंड किए, क्या सेमिनार्स अटेंड किए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके प्रोडक्ट्स को यूज करके आपका आपको कैसा लगा उनके बारे में आप अपने व्यूज उसमें लिख सकते हैं। लेकिन आप किसी भी तरीके से ओरिफ्लेम की कैटलॉग की कोई ब्लरी सी फोटो या आउट ऑफ फोकस फोटो जो है उसको नहीं लगा सकते हैं। ओरिफ्लेम आपको एक ई कैटलॉग प्रोवाइड करता है वेबसाइट पे, जिसको आप शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, या अगर आप किसी प्रोडक्ट का इमेज भी शेयर करना चाहते हैं तो भी हमारी वेबसाइट के थ्रू उसको डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हैं। ई कैटलॉग शेयर करना अलाउड है, लेकिन आप किसी कैटलॉग की, किसी पुरानी कैटलॉग की अगर फोटो लेकर अगर आप कहीं पर लगाएंगे तो वो करना बहुत बिल्कुल गलत है। जिस महीने में आप पोस्ट कर रहे हैं या आप किसी ऑफर के दौरान अगर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको ये मेंशन करना होगा कि ये प्रोडक्ट इस समय से इस समय तक ही किसी ऑफर में प्रोवाइड किया जा रहा है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो साथ साथ में हम कमेंट्स पे अगर हम ध्यान दें तो कमेंट्स जो हैं हमारे ऐसे लगने चाहिए कि वो हमारी अपनी ओपिनियन है, ना कि ऐसा कि कोई एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ओरिफ्लेम की तरफ से आ रहा है, ना ही ऐसा लगना चाहिए कि वो कोई आपकी पर्सनल ओपिनियन जो है वो ओरिफ्लेम की ओपिनियन लग रही है। तो आपको ये डिफरेंस जो है दोनों बातों का कि आपकी अपनी ओपिनियन क्या है और ओरिफ्लेम की तरफ से आई हुई इंफॉर्मेशन, दोनों अलग अलग से आपको वहां पर स्पेसिफाई करनी होगी, आपको क्लियर करनी होगी कि अगर आप कुछ कमेंट कर रहे हैं तो वो आपका अपना पर्सनल किया हुआ कमेंट है। और साथ ही साथ आपको अपने अकाउंट की प्राइवेसी के बारे में भी पूरा ध्यान रखना होगा, जिससे कि आप उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रख सकते हैं। जैसे आप अपना अकाउंट का पासवर्ड अगर तुरंत ही चेंज करते रहेंगे कुछ टाइम में, तो आपका अकाउंट हैक होना या किसी और तरीके से मिसयूज होने से बचा रहेगा। और आपको ये भी बताया जाएगा कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे, जैसे कि आपका ओरिफ्लेम से जुड़ा हुआ कंसल्टेंट आईडी है या पासवर्ड है या कि कोई आपकी बैंक डिटेल्स हैं, वो आप पब्लिकली लोगों से शेयर ना करें, क्योंकि इन इंफॉर्मेशन को देने से आपके अकाउंट का मिसयूज हो सकता है। तो आपको अपने अकाउंट की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है और उसमें आप किस तरह से कमेंट कर रहे हैं या क्या कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो भी आपको पूरा ध्यान रखना है। हम ओरिफ्लेम की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो ओरिफ्लेम जिस चीज पर फोकस करता है वो है ओरिफ्लेम की TSP, यानी टुगेदरनेस पैशन और स्पिरिट जिसको हम कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सारे ब्रांड पार्टनर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग आपस में जुड़े रहें। लेकिन जब आप जुड़े रहते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से बात करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ओरिफ्लेम के रूल्स को ब्रेक ना करें किसी भी तरीके से, और ओरिफ्लेम के कोड ऑफ एथिक्स को ध्यान में रखते हुए ही एक दूसरे से इंटरैक्ट करें। कभी किसी दूसरे ब्रांड पार्टनर का व्हाट्सएप ग्रुप, वेबिनार या ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर वो करा रहे हैं तो उसको आप बिना इनविटेशन के ज्वाइन ना करें, ना ही किसी फेक आईडी के थ्रू उनके किसी ग्रुप में शामिल होके उनकी एक्टिविटीज को ट्रेस करें, ना किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर को कोचिंग करें, ना कोई अनवॉरंटेड कमेंट सोशल मीडिया पे किसी और के अगेंस्ट लिखें। आपको ये ध्यान रखना है कि आप सारे रूल्स जो हैं फॉलो करते हुए ही दूसरे ब्रांड पार्टनर्स की तरफ आप इंटरैक्ट करें। और अगर ऐसा कोई भी रूल जो हम यहाँ बता रहे हैं वो अगर आप ब्रेक करते हैं तो ओरिफ्लेम आपके अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले सकती है। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ये सारे रूल्स बहुत सही तरीके से फॉलो करें। और सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो हमें दूसरे किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स ओरिफ्लेम के साथ प्रमोट करने अलाउ नहीं है, ना ही हम किसी दूसरे ब्यूटी ब्रांड प्रोडक्ट के बारे में या किसी मेकअप से जुड़ी हुई कंपनी या स्किन केयर और वेलनेस जैसे प्रोडक्ट्स और कंपनीज के बारे में रिव्यू या प्रमोशन कर सकते हैं। जब हम ओरिफ्लेम से जुड़े हैं तो हम ओरिफ्लेम के ही प्रमोशंस और रिव्यू करेंगे किसी भी दूसरे प्रोडक्ट को लेकर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आती है ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट की सेलिंग। अगर हम सोशल मीडिया पे जाकर हम प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए उनको प्रमोट कर रहे हैं तो हम उन्हीं तरह से प्रोडक्ट्स को ऑफर करें जो कंपनी ने ऑथराइज किए हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि आप ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ मिलाकर एक कॉम्बो ऑफर बनाकर आप कहीं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको पिक्चर्स पोस्ट करें, तो वो करना बिल्कुल ही गलत है। ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट किसी भी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ बेचा नहीं जा सकता। और साथ ही साथ ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स का भी एक कॉम्बो जो है वो ओरिफ्लेम की तरफ से पहले से आपको बताया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट्स कॉम्बो ऑफर्स में आ रहे हैं। आप अपनी तरफ से एक ओरिफ्लेम का कॉम्बो नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप अगर ये दो जेडानी की लिपस्टिक ले रहे हैं तो आपको एक काजल या एक लिप लाइनर उसके साथ फ्री मिल जाएगा। इस तरह का कोई भी कॉम्बो ऑफर जो कंपनी की तरफ से नहीं आया है
वो आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल ओरिफ्लेम के टच में नहीं है, उसकी अगर हम बात करें तो आप उसको बिल्कुल ही अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिस तरह जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो अगर कोई फोन है या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो ओरिफ्लेम से किसी तरह का रिलेशन नहीं रखता है, ना ओरिफ्लेम की तरफ से किसी कैंपेन पीरियड में है, तो हम उसको आप अगर उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी तरह का स्किन केयर या वेलनेस प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट ना करें। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर हम ओरिफ्लेम के बल्क प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करें, तो हम बल्क में प्रोडक्ट्स ना खरीदना अलाउ करते हैं, ना ही उनको स्टोर करना और उनकी पिक्चर्स पर क्लिक कर उनको वेबसाइट पर डाल किसी भी तरह के सोशल मीडिया वेबसाइट पर डालना। इस आपको अगर ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स डालनी है तो आप या तो खुद से क्लिक करके कोई एक अच्छे से बैकग्राउंड में रख के इमेज को क्लिक करके सिंगल प्रोडक्ट में डाल सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हर प्रोडक्ट के साथ एक शेयर बटन अवेलेबल होता है, आप वहां से जाकर उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स की बल्क में पिक्चर डालना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और साथ ही साथ ओरिफ्लेम का कोई भी प्रोडक्ट जिसकी पैकेजिंग डैमेज हो या उसका कलर फेड हो रहा हो, इस तरह की कोई भी इमेज को हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डालना अलाउ नहीं करते हैं। ना ही किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप एक्स्ट्रा चीजें लिखकर, जैसे कि अगर हम यहाँ थर्ड इमेज में देखें जो डोंट्स के अंडर है, जहां पर एक जियोडानी की सीसी क्रीम के ऊपर प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन, एसपीएफ सब कुछ लिखा हुआ है, तो इस तरह की एक इमेज हम ना बनाएं। इस तरह की इमेजेस बनाना बिल्कुल ही गलत है। आप ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स की साफ सुथरी, बिल्कुल अच्छी खींची हुई एक इमेज ही सोशल मीडिया पर डालें, कोई भी गलत इमेज ना पोस्ट करें। और साथ ही साथ हम बात करते हैं कि ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के साथ किसी ऐसी तस्वीर को पोस्ट ना करें, किसी ऐसे क्लेम को ना पोस्ट करें जो कंपनी की तरफ से ना आया हो। कोई एक बिफोर आफ्टर की इमेज को किसी प्रोडक्ट के साथ टैग करके आप सोशल मीडिया पर मत डालें, और किसी ऐसे प्रोडक्ट के कुछ एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेजेस लिखें ना लिखें जो कंपनी की तरफ से नहीं आए हैं। किसी भी प्रोडक्ट का वही क्लेम सोशल मीडिया पर लिखें जो कंपनी की तरफ से आया हुआ है, जो कंपनी उस प्रोडक्ट के साथ आपको बताती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इस तरह का काम करता है, वही क्लेम आप वहां पर लिखें, कोई एक्स्ट्रा एडेड क्लेम अपनी तरफ से वहां पर ना लिखें। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ लोगोज अगर आप डिजिटल अपनी मीटिंग्स में, किसी सेलिब्रेशंस में अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो ये उसकी टेम्पलेट है। अगर आप किसी टाइटल आपने कुछ नया अचीव किया है और आप अगर उस हिसाब से अपना नाम प्रमोट करना चाहते हैं, या आपकी डाउनलाइन में किसी ने कोई टाइटल नया अचीव किया है और आप उनको कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज लिखना चाहते हैं, तो आप ये सेलिब्रेशंस वाली जो टेम्पलेट हैं आप इनको यूज कर सकते हैं। और इसमें इनकी पिक्चर लगाकर, इनमें कोई छेड़छाड़ ना करते हुए इनमें इनकी पिक्चर लगाकर आप पोस्ट कर सकते हैं। आप कलर्स का अगर चेंज करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप टेम्पलेट को चेंज ना करें, हम यही एडवाइस करेंगे। और अगर आप कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं अपने डाउनलाइंस के साथ या कोई मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप राइट साइड में दिए हुए टेम्पलेट को यूज करके आप इस तरह से उसको आगे पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इनमें कोई चेंजेस इनके पोस्टिंग्स में, कि आप ऊपर वाला मैसेज नीचे कर दें, नीचे वाला ऊपर, इस तरह की चीजें आपको एडवाइस किया जाएगा कि आप ना करें। आप इस टेम्पलेट का पैटर्न जो है जिस तरह से दिया हुआ है उस तरह से ही उसको यूज करें।
और इसके बाद अगर आप हमारे लोगों के साथ अगर आप अपनी पिक्चर अगर ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स की पिक्चर को अगर आप आगे पोस्ट करना चाहते हैं तो ये दो टेम्पलेट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इनमें अपने ओरिफ्लेम के पिक्चर्स को पोस्ट करिए और आप उनको आगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। आपको ये एडवाइस किया जाएगा कि अगर आप कोई लाइट बेस्ड बैकग्राउंड की अगर पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं तो लोगों का कलर जो है वो डार्क होना चाहिए, और अगर आप डार्क किसी बेस पर आप पिक्चर पेस्ट कर रहे हैं तो ओरिफ्लेम का जो है लाइट वाला लोगो आप यूज कीजिए डार्क पर और डार्क पर लाइट वाला। तो ये एक दो एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये भेज भी दिए जाएंगे अगर आपको चाहिए, और ये शायद हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, नहीं तो आप असलम जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ये टेम्पलेट्स भेज देंगे और इन टेम्पलेट्स को यूज करके आप अपने जो बिजनेस की प्रमोशंस हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के बाद हमारे पास आता है व्हाट्सएप। एक ऐसा टूल है जो हमारे यंगस्टर्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिससे हम क्विक अपडेट्स शेयर कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं और मोटिवेशनल मैसेजेस भी भेज सकते हैं। और हम इसके साथ साथ मैं दोबारा यही कहना चाहूंगी कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, वेबिनार में या किसी और की कंडक्ट करी जा रही ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप पार्ट ना लें जब तक आपको इनवाइट नहीं किया गया है। और अगर आप ऐसी कोई ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं या आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इंश्योर करें कि आपकी ट्रेनिंग में कोई अनइनवाइटेड इंसान ना हो, आपके ग्रुप में कोई अनइनवाइटेड मेंबर ज्वाइन ना हो। आपके ग्रुप की ओनरशिप आपकी रहती है, आपको मॉनिटर करना होगा कि आपके ग्रुप जो आइडियाज आप शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से प्रोटेक्टेड रहें, उन पर कोई आपके आइडियाज पर कोई खतरा ना हो, कोई उनको चुराए ना। तो इसके लिए आपको इंश्योर करना होगा कि आप अपने ग्रुप में बिल्कुल वही लोगों को मेंबर बनने दें जिन पर आप भरोसा करते हैं या जो आपके डाउनलाइंस में हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आते हैं डिजिटल गाइडलाइंस की तरफ। डिजिटल गाइडलाइंस हमारी सोशल मीडिया पॉलिसीज का ही एक छोटा सा और एडेड मेंबर है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आप अगर कहीं पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा भी अगर आप कहीं पर डिजिटली अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, अगर आप कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं या अपनी नाम से कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने ब्लॉग्स में ये मेंशन करना होगा अगर आप ओरिफ्लेम के बारे में बात करने वाले हैं वहां पर, तो कि आप ओरिफ्लेम से जुड़े हुए इंडिपेंडेंट ब्यूटी ब्रांड पार्टनर हैं और आप किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रमोशन को ओरिफ्लेम के नाम के साथ प्रमोट ना करें, ना ही ओरिफ्लेम की कोई लोगो को या कोई कॉपीराइटेड इमेज को अपनी वेबसाइट या किसी ब्लॉग पर इस्तेमाल करें। और जैसा हमने पहले बताया कि आपका हमारी ओपिनियन जो है वो सिर्फ हमारी ही लगनी चाहिए और किसी ओरिफ्लेम की तरफ से आई हुई इंफॉर्मेशन नहीं लगनी चाहिए, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप किसी के अगेंस्ट कुछ गलत बात ना लिखें, किसी को डीफेम ना करें और अपनी ओपिनियन का क्लियरली अनाउंस करें कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपकी तरफ से आ रही है बल्कि ना कि ओरिफ्लेम की तरफ से। तो ये अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए डिजिटली अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से, मुझे यकीन है कि वो ग्रो होगा और आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आते हैं SPO रूल्स ऑफ कंडक्ट के बारे में। SPO आई एम श्योर आप में से काफी लोगों के पास होंगे और हमारे जितने भी रूल्स हमने कोड ऑफ एथिक्स के जिनके बारे में हमने आज बात करी, ये सारे रूल्स हमारे SPOs पर भी अप्लाई होते हैं। SPO ओनर्स जो हमारे होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके SPO में होने वाली हर एक्टिविटी उनकी नजर में रहे, उनकी परमिशन से ही उनके SPO में कोई भी एक्टिविटी हो,
और कोई SPO ओनर किसी दूसरे ब्रांड पार्टनर के अकाउंट में ऑर्डर बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी इजाजत लिए ना प्लेस करे। और उनको ये ध्यान रखना है SPO ओनर्स को कि उनके SPO को कोई दुकान की तरह नहीं चलाया जा रहा है, वहां से कोई सामान की बिक्री नहीं होनी चाहिए और ना ही उनके SPO पर सामान इकट्ठा करके स्टोर करने के लिए उस जगह को बनाया जाए। और आपको ये ध्यान रखना है कि SPO की जो भी ब्रांडिंग गाइडलाइंस हैं वो आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं आपके SPO पर। SPO के बाद हमारे पास नेगेशन पॉलिसी है। ये एक नई पॉलिसी है जो हमने अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान में लॉन्च की है। नेगेशन पॉलिसी जो है वो हमारे डायरेक्टर्स और SPO ओनर्स के लिए है। हमारे डायरेक्टर्स के अगर पर्सनल ग्रुप में या किसी SPO में पहली बार नेगेशंस होते हैं और वो नेगेशंस अगर 2 लाख रुपए या उससे ऊपर के होते हैं एक असेसिंग पीरियड में, अगर हम एक असेसिंग पीरियड की बात करें यानी कि अगर हम 6 महीने का एक असेसिंग पीरियड ले रहे हैं, तो अगर उस 6 महीने में हुई नेगेशंस एक डायरेक्टर के पर्सनल ग्रुप में 2 लाख रुपए से ज्यादा की हैं तो उस डायरेक्टर को एक डिफॉल्टर माना जाएगा पहली बार के लिए और उनको कंपनी की तरफ से एक वार्निंग लेटर भेजा जाएगा। अगर उन डायरेक्टर का नाम दूसरे 6 महीने में यानी कि नेक्स्ट असेसिंग पीरियड में भी उनका नाम आएगा तो उनका नाम फिर से एक डिफॉल्टर की तरफ कंसिडर किया जाएगा, जिसमें उनकी PD फिर से 25% की डिडक्शन होगी। अगर तीसरी बार भी उन सेम डायरेक्टर का नाम रिपीट होता है तो उनके PD पर से 50% की डिडक्शन होगी। और चौथी बार में अगर उनका नाम फिर भी वहां पर रहता है डिफॉल्टर में तो उनका 100% PD जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा और उनकी ID को 1 महीने के लिए सस्पेंड भी किया जाएगा। और अगर पांचवी बार भी यानी कि 5th time भी अगर ऐसा होता है तो उन डायरेक्टर को या उस डिफॉल्टिंग SPO को जो किसी भी डायरेक्टर सेमिनार या कोई कॉन्फ्रेंस की परमिशन अटेंड करने की नहीं दी जाएगी, उनको वहां से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और उनका 1 महीने का PD जो है उसे काट लिया जाएगा। और अगर 5वीं बार के बाद भी किसी डायरेक्टर का नाम उस लिस्ट में आता है तो उनकी ID को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप के जो पर्सनल ग्रुप की नेगेशंस हैं वो कम से कम रहें और बिल्कुल जेन्युइन नेगेशंस ही हो, वो किसी भी तरह के फेक ऑर्डर्स या गलत रीजन से करे हुए नेगेशंस नहीं होने चाहिए। एज अ डायरेक्टर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पर्सनल ग्रुप को सही तरीके से ट्रेन करें और आपका पर्सनल ग्रुप जो है वो बिल्कुल सही तरीके से ही काम कर रहा है। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो बीइंग अ डायरेक्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होगी। और अगर हम नेगेशंस के बाद बात करें तो हम डायरेक्ट सेलर जिन्हें हम हमारा ब्रांड पार्टनर कहते हैं उनके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हम चाहेंगे कि वो हमेशा फॉलो करें। जैसे कि आप अगर कभी भी किसी से मिलने जा रहे हैं ओरिफ्लेम के रिगार्ड्स में तो हमेशा अपना ओरिफ्लेम का ID कार्ड अपने साथ लेकर जाएं और साथ ही साथ एक गवर्नमेंट का ID प्रूफ भी अपने साथ जरूर रखें। और अगर आप एक लीडर हैं और आप अपने पर्सनल ग्रुप को ट्रेन करना चाहते हैं तो हमेशा ओरिफ्लेम की तरफ से दिया हुआ अप्रूव्ड ट्रेनिंग और लिटरेचर मटीरियल ही इस्तेमाल करें। कभी भी किसी दिए हुए अप्रूव्ड ट्रेनिंग लिटरेचर और मटेरियल में किसी तरह की एडिटिंग या मॉडिफिकेशन आप ना करें। अगर आप वही मटेरियल को इस्तेमाल करें जो आपको प्रोवाइड किया गया है कंपनी की तरफ से और अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो आप एग्जांपल्स की तरह आप उन लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन उस मटेरियल में उस लैंग्वेज को उन बातों को आप चेंज ना करें, ना ही दी हुई पॉलिसीज को उसमें किसी तरीके से मॉडिफाई करें। और अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं ओरिफ्लेम के रिगार्ड्स में तो आप हमेशा उनसे अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर ही किसी के पास जाएं, कभी कहीं पर अनइनवाइटेड ना शो हो।
और साथ ही साथ जब आप कोई सेल करते हैं तो अपने एंड कस्टमर को एक रसीद, एक बिल जरूर प्रोवाइड करें। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ओरिफ्लेम के साथ एक जुड़ा हुआ ये बिजनेस है, और एक बिजनेस का एक रिकॉर्ड रखना हमेशा बहुत ही जरूरी होता है, तो हमेशा अपने खरीदे हुए सामान को और हम अपने बेचे हुए सामान का एक रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करके रखें। और जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उनको प्रोडक्ट्स की सही डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, उन्हें करेक्ट प्राइस की इंफॉर्मेशन दें, और अगर उन्हें प्रोडक्ट रिटर्न करना पड़ता है कल को तो रिटर्न पॉलिसी और उनके पेमेंट टर्म्स और क्रेडिट पॉलिसी के बारे में भी जरूर बताएं। और एक डायरेक्ट सेलर की तरह एक सेल करने के टाइम पर आप हमेशा अपनी एनरोलमेंट की डिटेल्स उनसे जरूर शेयर करें, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सही तरीके से उनको बताएं, यानी कि ये क्या प्रोडक्ट है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, कि कहाँ किसे इस्तेमाल करना चाहिए, किन कंडीशंस में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उनको दें। और साथ ही साथ अगर वारंटी, रिटर्न और रिप्लेसमेंट, अगर वो उस सामान को वापस करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से उनको उनके प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट मिल सकता है, वो पूरी इंफॉर्मेशन अपने एंड कस्टमर को आप जरूर प्रोवाइड करें। साथ ही साथ आप उनको कंप्लीट रिसीट दें, जो भी आपने उनको सामान बेचा है उसकी एक रिसीट, एक बिल का कॉपी बनाकर उनको जरूर दें। साथ ही साथ कंप्लेंट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि कल को अगर उन्हें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई शिकायत होती है तो अब वो किस तरह से हमारे कस्टमर सर्विसेज को कांटेक्ट करके अपनी कंप्लेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी आप अपने कस्टमर को जरूर प्रोवाइड करें। एक डायरेक्ट सेलर को क्या नहीं करना चाहिए, आप एक डायरेक्ट सेलर, एक ब्रांड पार्टनर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको एक किसी भी तरह की अनफेयर रिक्रूटमेंट, यानी कि गलत तरीके से लोगों को अपने नेटवर्क में नहीं जोड़ना चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि किसी को गलत तरह की इंफॉर्मेशन देकर कोई सामान नहीं बेचना चाहिए, या कोई गलत प्राइस पर सामान को नहीं बेचना चाहिए। जो ऑफर चल रहा है वही ऑफर्स के हिसाब से आप अपने सामान को बेचें, किसी भी तरह की गलत सेल्स की प्रैक्टिस ना करें। स्टॉकिंग, यानी कि सामान को इकट्ठा करके एक बल्क स्टॉकिंग उसकी ना करें, ना ही डिसेप्टिव रिप्रेजेंटेशन अबाउट बेनिफिट्स, यानी कि कोई गलत क्लेम ना करें किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, ना ही ओरिफ्लेम की तरफ से दी हुई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर, जो चीज हमारा सक्सेस प्लान सपोर्ट नहीं करता है, जो इनकम की इंफॉर्मेशन हमारे सक्सेस प्लान में अगर नहीं है तो उसे आप आगे किसी को गलत तरीके से ना बताएं। और ये जितनी पॉलिसीज जो मैंने आपको आज बताई हैं, ये सारी की सारी सिर्फ आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हैं, कंपनी का कोई इंटेंशन नहीं है कि हम आपके अगेंस्ट गलत कुछ एक्शन लें या हम आपको पिनलाइज करें या कोई पनिशमेंट दें। हमारा ये सारी ट्रेनिंग करने का, ये रूल्स बनाने का मोटिव सिर्फ ये है कि आप सबको एक फेयर प्लेटफॉर्म मिले, एक बराबरी का प्लेटफॉर्म मिले, जहां आप सब हमारे लिए बराबर हैं और हम सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपकी प्रोटेक्शन के लिए हमने ये पॉलिसीज बनाई हैं ताकि कोई आपके अगेंस्ट कुछ या आपका फायदा ना उठाए। और जैसे आप लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है एक सस्टेनेबल बिजनेस प्रोग्राम है, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए हमेशा ऑनेस्टली और एथिकली, यानी कि हम अगर सही तरीके से सही रूल्स को फॉलो करते हुए हम इस बिजनेस को बढ़ाएंगे तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। थैंक यू, ये सारा इन्फॉर्मेशन था मेरे पास, एक छोटी सी वीडियो है मेरे पास ओरिफ्लेम के कोड ऑफ एथिक्स को लेकर जो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगी। वो वीडियो हमने इंडिया के लिए बनवाई थी, इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग उस वीडियो को देखें और उस वीडियो से काफी कुछ आपको समझने का मौका और सही तरीके से इस ट्रेनिंग के बारे में आपको मिलेगा। और हमारी कोशिश है कि उस एक वही उसी तरह की एक वीडियो
हम आप लोगों के लिए पाकिस्तान की दी हुई पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए बनवाएं और जल्द ही आपके साथ उस वीडियो को भी शेयर करें। तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, आप प्लीज उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगर उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप कुछ पूछना चाहेंगे हमसे, हम जरूर आपको इस वीडियो के बाद आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। थैंक यू। Dear leaders, I want to take a brief minute to talk to you about leadership. Leadership is truly about passion, it's about discipline, but it's also about values and the value system that you have and transmit to your downlines. Values such as honesty, integrity, and of course, our core values of togetherness, spirit, and passion. In order to fully build a sustainable network long term, this needs to be transcended, transmitted, and instilled within your network. And I truly hope that you are here for the long term and that you are here to become successful with the Lord. So I wish you the very best of luck, and we have created a short video to help you on your way. Thank you. मिसेस सिंह अपने ओरिफ्लेम बिजनेस को लेकर संपूर्ण भाव से कार्य कर रही हैं। मिसेस सिंह हमेशा अपनी टीम के लिए एक बेहतर लीडर बनने का प्रयास करती रही हैं। उनकी डाउनलाइन समय के आधार पर लगातार बढ़ती रही है और उनकी डाउनलाइन का विकास करना उनके लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है। वो आज न्यू ज्वाइनी मिस रॉय से मिलने के लिए उत्सुक हैं। हेलो मिस रॉय, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूं। मैं भी मिसेस सिंह, आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा लगता है मैं कुछ बहुत ही बड़ी और निर्णायक शुरुआत में हूँ, जहाँ बिना किसी निवेश के सामाजिक जुड़ाव की मदद से मैं एक स्वनिर्मित व्यक्तित्व की अपनी यात्रा शुरू कर सकती हूँ। ये बेहद रोमांचक है। निश्चित रूप से मिस रॉय, इसलिए जैसा कि हम पहली बार मिलकर चर्चा कर चुके हैं कि आपने ओरिफ्लेम परिवार में एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के रूप में शामिल होने का फैसला किया है, या आप एक VIP ग्राहक बनना चाहेंगे और हमारे उत्पादों के लाभ का आनंद लेंगे? मैं इसे एक शानदार अवसर के रूप में देखती हूँ और यकीनन मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के रूप में मैं अपनी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहूँगी। ये बहुत अच्छी बात है मिस रॉय, हम आपको हमारी टीम के एक भाग के रूप में पाकर खुश होंगे। इस मामले में जैसे मैंने समझाया कि ओरिफ्लेम के साथ शुरुआती यात्रा के लिए मुझे आपके पंजीकरण को पूरा करने के लिए आपके KYC दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, हाँ, मैं वास्तव में आपकी सफल यात्रा का हिस्सा बनना चाहती हूँ और एक सफल कंसल्टेंट और अतः एक अच्छा लीडर बनने के बारे में आपके विचार सुनना पसंद करूंगी। मुझे खुशी है कि आप पहले एक निष्पक्ष और सफल कंसल्टेंट होने के महत्व को महसूस करती हैं और फिर आगे आने वाले वर्षों में एक समान रूप से सफल लीडर होने की तरफ बढ़ती हैं। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। मुझे आपको ये सब बताने में खुशी होगी, लेकिन पहले मुझे आपका पंजीकरण पूरा कराने की जरूरत है। क्या आप सभी विवरण भर सकती हैं? जी, मैं इसे ठीक से भरूंगी। यहाँ पर लिंक है कोड ऑफ एथिक्स का, मैं इसे जरूर पढ़ूंगी। हाँ, आपको इसे पढ़ना चाहिए और हर छोटी बारीकी को समझना चाहिए। यह आपको निष्पक्ष और एक नैतिक कार्यकर्ता होने के बारे में सब कुछ बताता है। ये जानकारी भरा था, क्या इससे आपको उस स्तर पर पहुंचने में मदद मिली जहां आज आप हैं? निश्चित रूप से, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना बेहद महत्वपूर्ण है। ये असल में मेरे जीवन का एक तरीका है जो मेरी यात्रा में एक मोटिवेशन पॉइंट्स की तरह काम करता है। हमेशा याद रखें कि एक सक्षम नेता वो है जो ये सुनिश्चित करता है कि वो अपने व्यवसाय को सही, स्थायी और सबसे महत्वपूर्ण निष्पक्ष तरीके से बनाए। अनैतिक माध्यमों से पैसा कमाना स्वीकार नहीं है। ये प्रेरणादायक है, आप निश्चित रूप से उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करती हैं। एक प्रभावी लीडर के लिए ये जरूरी है कि वो जो शिक्षा दे वो खुद भी उसका अभ्यास करे। आपकी टीम आपको देखकर बहुत कुछ सीखती है। एक चीज हमेशा महत्वपूर्ण होती है और वो है आपके व्यवसाय को नैतिक रूप से बनाना। यह कोई शॉर्टकट और फास्ट मनी का रास्ता नहीं है।
पर जब आप खुद को एक कठिन जगह पर पाते हैं तो क्या होता है? समय समय पर आप खुद को कठिन परिस्थितियों में पा सकते हैं, लेकिन ये मामूली बाधाएं हैं। जब भी आपको मदद की आवश्यकता हो, आपको हमेशा अपनी अपलाइन या ओरिफ्लेम सेल्स टीम और अपने अपलाइन लीडर से मार्गदर्शन लेना चाहिए। ओरिफ्लेम में एक ओपन डोर पॉलिसी है। क्या मुझे वाकई में इन सभी गुणों को ग्रहण करना होगा, मिसेस सिंह? हाँ, ये वो जगह है जहाँ ओरिफ्लेम्स के कोड ऑफ एथिक्स और रूल्स ऑफ कंडक्ट यानी आचरण के नियम एक तैयार हैंडबुक की तरह काम करते हैं। और जानकारी के लिए हम ओरिफ्लेम के ऑफिस चलते हैं। हेलो मिसेस सिंह एंड वेलकम मिस रॉय। मेरा मानना है कि मिस रॉय ओरिफ्लेम कोड ऑफ एथिक्स एंड रूल ऑफ कंडक्ट को बेहतरी से समझना चाहती हैं। हाँ, मैं सब जानना चाहूँगी ताकि मैं इसे प्रैक्टिस कर सकूँ और अपनी टीम को बेहतर नेतृत्व दे सकूँ। हाँ, मिस रॉय बहुत उत्सुक हैं और हम निश्चित ही उनके उत्साह को साझा करेंगे। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मिस रॉय, कोड ऑफ एथिक्स का मुख्य लक्ष्य है ओरिफ्लेम और उसके बिजनेस पार्टनर्स के बीच मान्यताओं और सिद्धांतों को समझना और आपसी समझ के साथ जिम्मेदारी से निभाना। कोड ऑफ एथिक्स हमारे हर कंसल्टेंट को फॉलो करता है ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे और अपनी टीम के लिए बेहतर एग्जाम्पल सेट कर सके। COE पॉलिसी लोकल लॉ के हिसाब से समय समय पर अपडेट होती रहती हैं। हाँ, ये वही है जिसे मैंने कई वर्षों से ओरिफ्लेम के साथ जुड़कर फॉलो किया है। एक अच्छे कंसल्टेंट बनने की शुरुआत में ये ध्यान रखें कि वो कभी भी किसी भी प्रकार के अवैध काम में लिप्त नहीं होगा और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा होगा जो किसी दूसरे संगठन का हिस्सा है। डबल ज्वाइनिंग ओरिफ्लेम के एथिक्स और प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। मौजूदा ओरिफ्लेम कंसल्टेंट को अपने नाम और किसी और के नाम की लाइन के नीचे फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ पेशेवर काम करने के अवसर के रूप में देखते हैं। इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मौजूदा कंसल्टेंट को हमेशा एक अलग नेटवर्क के साथ काम करने से बचना चाहिए। ये विश्वास की समस्या का कारण बन सकता है और ये अनुकूल वातावरण को बढ़ावा नहीं देता है। हमारी बिजनेस में बहुत सी टीमों का निर्माण और नए लोगों के साथ जुड़ना शामिल होता है, इसलिए एक बार जब आप लीडर बन जाते हैं तो आप किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ नहीं जुड़े रह सकते। मुझे किन अन्य सामान्य प्रथाओं और बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए जो मेरी टीम के लिए फायदेमंद हो? रिटेलिंग और ई कॉमर्स सबसे अनएथिकल रास्ता होता है प्रमोशन के लिए। अपनी टीम को ये समझाना चाहिए कि ओरिफ्लेम प्रोडक्ट को स्टॉक करने और बाद में उसे अच्छे डिस्काउंट के साथ बेचने को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि इससे दूसरे कंसल्टेंट की आजीविका प्रभावित होती है। सभी ओरिफ्लेम कंसल्टेंट्स को उन सभी नियमों का पालन करने की आवश्यकता है जिन पर हमने चर्चा की है और मुख्य रूप से ओरिफ्लेम उत्पादों को डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स को बेचना है, ना कि किसी भी तरह की खुदरा बिक्री करना। ये ओरिफ्लेम के कामकाज का मूल आधार है और किसी भी प्रकार के उल्लंघन से तत्काल सस्पेंशन या टर्मिनेशन जैसे कठोर परिणाम हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। क्या कोड ऑफ एथिक्स ओरिफ्लेम SPOs पर भी अप्लाई होता है? जी हाँ, सभी कोड ऑफ एथिक्स SPOs पर भी अप्लाई होते हैं। SPO ओनर अपने संबंधित केंद्र में होने वाली हर गतिविधि की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं और उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि उनकी टीम में हर कोई समान व्यवहार करे। डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमारे लिए काफी इफेक्टिव टूल है। क्या आप मुझे थोड़ी और गाइडलाइंस दे सकते हैं ताकि मैं इन सभी बातों का अच्छे से ख्याल रख सकूं? डिजिटल गाइडलाइंस महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ। आपके बिजनेस के ग्राउंड रूल्स ईमानदारी और एथिक्स हैं, और आपको हर डिजिटल गाइडलाइंस को जानना चाहिए। आप इस लिंक पर देखकर खुद को अपडेट रख सकते हैं जो भी आपको जरूरत है। जी जरूर, मैं इस लिंक को आज ही देख लूंगी। यही नहीं, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को मान्यता दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2016 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उन्हें भी ध्यान में रखना है। ये इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि पैसों का घोटाला न हो सके और भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नियमन में एक रूपता बनी रहे। इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य है कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना। एक सही बिजनेस प्रैक्टिस के लिए किसी भी और सभी डायरेक्ट सेलर को इन स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना चाहिए। डूज: डायरेक्ट सेल करनी चाहिए, हमेशा अपने पास आईडी कार्ड के साथ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी रखें, अप्रूव्ड ट्रेनिंग लिटरेचर मटेरियल का उपयोग करें, अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें, कंज्यूमर को बिल एंड रिसीप्ट प्रोवाइड करें, बिजनेस किए गए प्रोडक्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करें,
प्रोडक्ट्स का डेमोनेस्ट्रेशन, सही प्राइस, रिटर्न पॉलिसी, पेमेंट टर्म्स एंड क्रेडिट पॉलिसी का ख्याल रखें। डोंट्स, डायरेक्ट सेलर को अनफेयर रिक्रूटमेंट की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अनफेयर ट्रेंड प्रैक्टिस में लिप्त नहीं होना चाहिए। उत्पाद लाभ के बारे में भ्रामक प्रतिनिधित्व का अभ्यास नहीं करना चाहिए। असत्यापित यानी झूठे वादों में लिप्त नहीं होना चाहिए। अनुचित ब्रोशर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। बल्क स्टॉकिंग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। एक डायरेक्ट सेलर को बिक्री के दौरान निम्नलिखित बातों की पूरी जानकारी और सपोर्ट देना चाहिए। इनरोलमेंट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वारंटी, वापसी और रिप्लेसमेंट की जानकारी, पूरी रसीद, शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी। दिशा निर्देशों का चरण दर चरण ये कदम डायरेक्ट सेलर के लिए गाइड के रूप में कार्य करता है। हाँ बिल्कुल, और कोई भी कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट पॉलिसी के नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसमें सस्पेंशन और मेंबरशिप आईडी का टर्मिनेशन भी शामिल है। डायरेक्ट सेलिंग ईमानदारी और एथिक्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस है, और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उद्देश्य दंड देना नहीं है बल्कि हमारे कंसल्टेंट्स और उद्योग के हितों की रक्षा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोड ऑफ एथिक्स और रूल्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए ये मेरे लिए बहुत मददगार रहा। मैं इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। वी होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल इन कंडक्टिंग योर लॉन्ग टर्म बिजनेस इन सस्टेनेबल एंड एथिकल वे। इन केस यू रिक्वायर एनी क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट, यू कैन रीच टू योर नियरेस्ट ओरिफ्लेम ब्रांच। Wish you great success with Oriflame. Thank you. Thank you everyone for watching this video. I hope आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी and काफी कुछ समझ भी आया होगा आपको इस वीडियो के बाद से। आपके अगर कुछ भी questions हैं तो ताहिर से हम पहले एक बार बात करना जरूर चाहेंगे। ताहिर हमारे कंट्री हेड हैं, उनसे बात करके फिर हम आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको जरूर आंसर करेंगे। ताहिर, आई होप यू आर अवेलेबल। हाय साक्षी, आई होप आई एम हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं चाहूंगी कि आप हमारी पूरी टीम से और हमारे ब्रांड पार्टनर से एक बारी जरूर अपने आप को इंट्रोड्यूस करके हमसे अपने व्यूज शेयर करें इस ट्रेनिंग के बारे में। या श्योर, सो हम क्योंकि इंटरेक्ट करते रहते हैं, बट वो लोग जो आज पहली दफा हमें जूम में ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा नाम ताहिर मजीद है और मैं ओरिफ्लेम के साथ पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा अच्छा हो गया है, और अभी पाकिस्तान ऑपरेशंस को मैं देख रहा हूँ। मेजॉरिटी लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं, और साक्षी आई रियली लाइक टू थैंक यू फॉर सच अ डिटेल्ड सेशन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। मैंने खुद ऑलमोस्ट सारा सेशन अटेंड किया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि इससे पहले शायद हमारे ब्रांड पार्टनर्स को क्लियर ना हो, वो आज के इस सेशन के बाद आई एम श्योर कि उनको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और बहुत से ऐसी चीजें जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी हम इस सेशन में हमें सीखने का मौका मिला। क्योंकि जनरली हमें ये लगता है कि शायद हम शॉर्ट टर्म वे लेके या ऐसे मेथड्स के साथ जो कि हमें जल्दी जल्दी ग्रोथ देते हैं उससे हम ग्रो कर सकते हैं, बट ओरिफ्लेम बिजनेस इज लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पे जितना एथिकल कल्चर प्रमोट होगा, जितना लीडर्स एथिकली काम करेंगे, उनको उतना सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगा। और जैसे आपने गाइड किया इतनी डिटेल में, असलम ऑलरेडी बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रहे होते हैं, और उस पर आई एम श्योर के इन इन सब चीज़ों को देख के हमारे ब्रांड पार्टनर पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करेंगे। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, वो लोग जो कि जिनकी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकी, हम दोबारा भी ये सेशन कर रहे होंगे।
और उसमें असलम भी इसको लीड कर रहे होंगे, सो मेरी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग आपको सजेशन होगी कि आप उनको भी इनवाइट करें इसमें और मिलके ओरिफ्लेम को एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाएं, एक एथिकल कंपनी बनाएं, क्योंकि आपका बिजनेस प्योरली ओरिफ्लेम के साथ जुड़ा हुआ है। साक्षी ने ऑलरेडी इस पर बहुत डिटेल में बात करती है और मेरे ख्याल में मुझे अब इस पर फर्दर कोई इतनी बात करने की जरूरत नहीं है, बट जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आई एम श्योर टीम आपके क्वेश्चंस को आंसर करेगी और हमारे साथ विवेक भी हैं, सो थैंक यू टू यू आल्सो विवेक, यू हैव स्पेयर्ड टाइम फॉर आवर मार्केट और आप लोगों की जो भी एफर्ट्स हैं, जो आप लोगों की सजेशन गाइडलाइंस हैं, आई एम श्योर पाकिस्तानी लीडर्स को वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगी और पहले से भी ज्यादा पाकिस्तानी लीडर्स ग्रो करेंगे और अपने ख्वाबों को के साथ जल्द से जल्द पूरा करेंगे। सो थैंक यू थैंक यू टू ऑल द टीम फॉर सच अ वंडरफुल सेशन एंड आई विश वेरी बेस्ट ऑफ लक टू द लीडर्स आल्सो। एक चीज सिर्फ फाइनल में कहूंगा, जैसे साक्षी ने भी कहा कि हमारा इंटेंशन या हमारा वो कुछ भी ऐसा नहीं है, हम इससे पहले भी बहुत एकोमोडेटिव वे में अपने लीडर्स को सपोर्ट करते हैं, बट आई थिंक जैसे जैसे आप अपना नेटवर्क बड़ा करने जा रहे हैं, जैसे जैसे आपकी टीम्स एक्सपेंड हो रही हैं, आपको अपनी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। सो कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो प्लीज फील फ्री टू टॉक टू असलम और इवन आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, बट टेक दिस सेशन एज अ गाइडलाइन, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट of making your networks, your business even more strong, more sustainable and more growth oriented. So bahut bahut shukriya aap sab logon ka, apna sab log khayal rakhein aur I give the session back to Sakshi. Sakshi please aap continue kar lijiye. Thank you so much Tahir for your wonderful words here. Aslam can we have now questions in case aapke paas agar kuch questions aaye hain to please do let me know ya hum ek ek karke hum hamare brand partners ko mute bhi kar sakte hain agar wo directly questions puchna chahte hain to ji thank you very much Sakshi jis tarah Tahir ne kafi detail mein bataya ki aapne kitne acche tarike se aur badi understandable language ke andar logon ko samjhaya aasan zuban ke andar ki kis tarike se wo code of ethics aur Oriflame ka ensure kar sakte hain ki kis tarike se usko follow karna hai, kya cheeze hain jo unke business ki behtri ke liye usko lambe arse ke liye sustainable banane ke liye help out karengi. Mere paas bilkul kuch question jo hain already aaye hue hain chats ke andar logon ke और उनमें से मैंने क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो ज़्यादा क्वेश्चन आया है उनमें से मैं कुछ लोगों को खुद से आपकी इजाज़त से अभी मैं खुद कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर दूंगा कि जो मेरी नॉलेज में है और जहां पे मैं समझता हूं कि आपकी हेल्प मुझे चाहिए, तो उस पर काइंडली आप थोड़ा सा एक दफ़ा से उस चीज़ को दोबारा से एलेबोरेट कर दीजिएगा। तो मेरे पास जो एक तो ये जो वीडियो है जो आपने कोड ऑफ एथिक्स का वीडियो हिंदी में तमाम इस मीटिंग को दिखाया है, उसमें काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा था कि जी ये उर्दू में होना चाहिए या हमें समझ नहीं आ रही, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये वाला वीडियो जो है वो ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर इसको उर्दू के अंदर अपने तौर पर एक एफर्ट करके तो हमने कुछ ट्रांसलेट इसको किया था और वो हमने अपने YouTube चैनल पे, जो पाकिस्तान का YouTube चैनल है उस पे और लोगों को उसके अलावा भी रूम्स के अंदर शेयर किया था। तो मे बी जो भी ब्रांड पार्टनर्स जिन्होंने वो वीडियो अंडरस्टैंडिंग में जिनको मसला था, जिनको अभी वीडियो हिंदी में समझ नहीं आई अगर कुछ चीज़ें, तो वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर जो पाकिस्तान का YouTube चैनल है वहाँ पर जाके अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनको कोड ऑफ एथिक्स का उर्दू में ट्रांसलेटेड वीडियो भी मिल जाएगा, तो वो आसानी से उसको दोबारा से देख के और उसको समझ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे और वो बिल्कुल उसका रीज़न भी है पूछने का, वो था कि ओरिफ्लेम का आईडी कार्ड ना, आपने जिस तरह साक्षी मेंशन किया कि जब लोग विज़िट करें अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, ब्रांड पार्टनर्स को, तो अपने पास ओरिफ्लेम का आईडी कार्ड अलॉन्ग विद जो उनका गवर्नमेंट प्रोवाइडेड आईडी कार्ड है उसके साथ वो भी रखें,
तो कुछ लोग तो क्वेश्चन ये भी कर रहे थे गवर्नमेंट प्रोवाइडेड आईडी कार्ड कौन सा है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड आईडी कार्ड बेसिकली जो हमारा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है उसको हम रेफर करते हैं, और वो आपको हर वक्त ही आपके पास आइडेंटिटी के लिए होना चाहिए ताकि कहीं पे भी आपको मूव करते हुए या अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए वहाँ पे मसला ना आए। जहाँ तक ओरिफ्लेम का आईडी कार्ड का ताल्लुक है, ओरिफ्लेम का आईडी कार्ड जो है वो हमारा जो नया सिस्टम अभी आईटी का अपग्रेड हो रहा है जो होपफुली बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर हमारे पास अवेलेबल होगा डेफिनेटली, उस सिस्टम के अंदर ये वाला जो आईडी कार्ड है ओरिफ्लेम का वो आपको बना हुआ मिलेगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपके प्रोफाइल सेक्शन के अंदर ये आईडी कार्ड ऑलरेडी सॉफ्ट फॉर्म के अंदर अवेलेबल होगा, तो आप उसको वहीं से डाउनलोड करके और उसका कलर प्रिंट लेके अपने पास एज एन आईडी कार्ड अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप किसी को वैलिडेट कराना चाहें, दिखाना चाहें, तो आप अपने लॉगिन के अंदर से ही वो आईडी कार्ड आपके पास अवेलेबल होगा। तो तमाम ब्रांड पार्टनर्स उनको किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास ओरिफ्लेम का आईडी कार्ड नहीं है, वो जैसे ही सिस्टम अपग्रेड होगा तो सब लोगों के पास वो ऑटोमेटिकली वो आईडी कार्ड ओरिफ्लेम के आईडी के साथ और उनकी पिक्चर के साथ अगर उन्होंने प्रोफाइल में ऐड की हुई है वो उनका आईडी कार्ड उनको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क दूसरा क्वेश्चन था जो मेरे पास आ रहा था। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। नेक्स्ट था कि जो हमने टेम्पलेट्स कुछ आपसे शेयर किए हैं अभी के अपनी डिजिटल गाइडलाइंस के अंदर, कि अगर आप कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस का कोई सेलिब्रेशन की पोस्ट बनाना चाह रहे हैं या आप अपनी कोई टीम मीटिंग के लिए पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें ओरिफ्लेम की आइडेंटिफिकेशन हो बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर ओरिफ्लेम, तो उसका तरीका ये होगा कि आप अगर हमारी डिजिटल गाइडलाइंस का डॉक्यूमेंट जो वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है उसके अंदर ये टेम्पलेट्स दिए गए हैं, तो आप सिंपली डिजिटल गाइडलाइंस वाले डॉक्यूमेंट को वहाँ से डाउनलोड कर लें और उन डॉक्यूमेंट में से डाउनलोड करके आप टेम्पलेट इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को फिर भी कोई मसला हो और उसको समझ ना आ रही हो कैसे करना है तो अपने ASM से रब्ता कर सकते हैं और या फिर COE से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर अवेलेबल है अगर वेबसाइट पर आपको मिल ना रहा हो। वैसे जो रजिस्ट्रेशन का पेज होता है जहाँ पे आप हर नए प्रोस्पेक्ट को रजिस्टर कर रहे होते हैं उसके बॉटम पे भी तमाम पॉलिसीज़ का और डिजिटल गाइडलाइंस का लिंक आ रहा होता है, वो 24/7 आपके पास अवेलेबल है, आप कहीं पे भी खोल के उसको रेफर भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं, उसी में से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद एक क्वेश्चन होगा जिस पे मैं साक्षी से हेल्प चाहूँगा, ऑल्दो साक्षी ने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन क्योंकि साक्षी नेगेशन पॉलिसी के अंदर जो अपडेट है जिसके अंदर डायरेक्टर को आपने 5 स्टेप्स के अंदर लिखा हुआ था कि इतनी नेगेशन होगी तो उसका ये उसका तरीक़ेकार होगा कि पहले वार्निंग लेटर आएगा फिर उस पर सर्टन डिडक्शन हो सकती, तो ये क्योंकि नई चीज़ है तो नई चीज़ होने की वजह से लोगों ने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किया हुआ था कि इसका हमें समझ नहीं आई कि इसका क्या मतलब है, तो इस पे मैं शुरू करता हूँ। मे बी साक्षी भी उसमें ऐड कर देंगी। साक्षी अगर आप वो अपनी PPT का वो वाला स्लाइड शेयर कर सकती हैं वहाँ पे जाके तो अच्छा हो जाएगा, लोगों के नज़रों के सामने आ जाएगी। जी जी प्लीज। अच्छा, नेगेशन पॉलिसी में बेसिकली है ये जो एक तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि किस लेवल पे एप्लीकेबल है। जिस तरह साक्षी ने बताया कि हमारे सिस्टम के अंदर ऑब्वियसली जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं जिनका PG लीडर होते हैं अपनी पूरे पर्सनल ग्रुप के, उनके ऊपर सर्टन लेवल के ऊपर उनके ऊपर उसी अपनी पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही होती है कि उनकी टीम के अंदर कोड ऑफ एथिक्स फॉलो हो रहा है कि नहीं, उनका डेट टाइमली क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, और बाकी सारी कंपनी की पॉलिसीज़ को वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं लोग या नहीं। तो ये वो स्लाइड थी, ये आप दोबारा से एक दफ़ा देख भी सकते हैं, फिर भी अगर किसी को किसी किस्म की कन्फ्यूजन होगी आप मुझसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। ये भी हमारी पॉलिसी के अंदर हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, मैं वहाँ पर डाल देंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने ये ख्याल रखना है कि एक तो ये कि डायरेक्टर लेवल के ऊपर से ये इम्प्लीमेंट हो रही है, तो अगर आप ब्रांड पार्टनर हैं, स्टार्टर हैं, वो हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड कर लें कि ये वाली चीज़ ऊपर आपके जो PG लीडर हैं उनको जाके इफेक्ट हो रही होगी, कि अगर आप
आपके कोई ऑर्डर्स हैं जो आपने प्लेस किए थे और बाद में कैंसिल हो गए, तो उसका इफेक्ट आपके पीजी लीडर जो आपका डायरेक्टर है 21% वाला उसको जा रहा होगा। और डायरेक्टर्स जो हैं वो अपनी पूरी टीम के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर कर रहे हों कि जी जो भी ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं उनके अंदर नेगेशन जो है वो एक रियलिस्टिक लेवल से कभी भी ऊपर ना जाए, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर जो पहली दफ़ा अभी हमारी पॉलिसी के अंदर अपडेट है तो इसमें अगर आप देखिए तो अगर कोई भी डायरेक्टर है उसके नीचे एक सर्टन आपको पता है कि कोई निगेशन कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत तो आ ही रही होती है, लेकिन उसको अपने मॉनिटर इस तरीके से करना है कि वो निगेशन 6 महीने का जो असेसिंग पीरियड है उसमें 2 लाख के अमाउंट से किसी सूरत भी क्रॉस ना करे। उसको मिनिमल लेवल पे आप रखेंगे तो मंथली लेवल पे आप ट्रैक कर रहे होंगे तो फिर ये चीज़ आपके लिए इजी हो जाएगी। अगर आप ये समझेंगे कि 6 महीने का इकट्ठा आपने चेक करना है तो ऐसा कोई महीना भी आ सकता है कि एक ही महीने के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा निगेशन किसी भी वजह से कोई हो जाए, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप हर महीने अपनी निगेशन। और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे हमारे पास डायरेक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आ रहे होते हैं कि जिनकी निगेशन नहीं होती, हम जब मंथली एनालिसिस बनाते हैं तो बिल्कुल 0 वाले नंबर्स भी हमारे पास बहुत सारे डायरेक्टर्स के आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपने ग्रुप्स को अपनी टीम्स को बहुत ही अच्छे और एथिकल वे के अंदर मैनेज कर रहे होते हैं। और जो लोग अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे शुरू से तो होपफुली वो इस लिमिट के ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छी खासी लिमिट मतलब 35,000 रुपये पर मंथ की एवरेज बनती है, तो अगर आप अपनी एवरेज को डाउन रखें, मिनिमम पे रखें, 0 पे रखें, तो आपकी हर चीज़ जो है इसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होगी। आपके कमीशन अच्छे बन रहे होंगे, आपके कैश अवार्ड्स टाइमली आ रहे होंगे, आपके खिलाफ कोई जो आपको वार्निंग लेटर्स बार बार COE की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आ रहे होंगे कि जी आपकी टीम के नीचे कोई निगेशन है या कोई बंदा जो है ऑर्डर करके और प्रमोशन लेके और अब गायब हो चुका है। तो इस चीज़ को आप दोबारा से मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट वार्निंग अगर आप 6 महीने में असेसिंग पीरियड में 2 लाख से ऊपर होगा तो आपको वार्न किया जाएगा। अगर सेकेंड स्टेप के ऊपर अगले 6 महीने भी वो चीज़ इम्प्रूव नहीं होती और कोई डायरेक्टर है जो वहाँ पे फिर उसकी पीजी में रिपीट हो रहा होता है तो उसकी फिर डिडक्शन शुरू हो जाएगी उसके पीटी में से, कि पहले स्टेप पे 25% है, फिर अगले पीरियड में वो 50% है और इवेंचुअली ये होगा कि वो 100% और फाइनल टर्मिनेशन तक चली जाएगी कि अगर वो बंदा अपने पीजी को डेट को नेगेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा। तो इस चीज़ को डायरेक्टर्स जो हैं स्पेशली जो सीनियर मैनेजर्स हैं जो अभी बनने जा रहे हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ को शुरू से ही कंट्रोल में रखें ताकि आपको किसी किस्म का फ्यूचर में कोई मसला ना आए। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर साक्षी को फाइनल वर्ड आप देना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर भी आप लोग आई होप कि इससे पहले से आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, तो आप उस अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना चाहें बिल्कुल तो आप एक फाइनल वर्ड इसके ऊपर दे सकते हैं कि निगेशन पॉलिसी के ऊपर अगर मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ। असलम, आपने बिल्कुल सही तरीके से कहा कि अगर इसे एक डायरेक्टर अगर मंथली लेवल पर अगर चेक करते रहेंगे तो उनकी निगेशन उनको बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी और उन्हें पता चलता रहेगा। अगर वो 6 महीने के बाद अगर उसे देखेंगे तो वो एज अ सरप्राइज ही उनके सामने आएगा कि 6 महीने में इतनी नेगेशन हो गई थी। तो सही तरीका आपने जैसे बताया वो बिल्कुल सही है कि हर लीडर अपने नेगेशंस को, अपने ग्रुप के नेगेशंस को हर 15 दिन में या हर महीने के एंड से कुछ दिन पहले रिव्यू करता रहे ताकि उन्हें पता चलता रहे कि उनके नेगेशंस कितने हो चुके हैं और कौन लीडर्स हैं जो नेगेशन कर रहे हैं। उनको अगर अपने पर्सनल ग्रुप में लगता है कि कुछ लोग हैं जो जानबूझकर वो नेगेशंस कर रहे हैं तो वो कंपनी को पहले से उसके बारे में इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो कुछ गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कंपनी टाइम रहते उनसे बात करके उस चीज को रिजॉल्व भी करा सकती है। तो 6 महीने के बाद नेगेशन पीरियड होने के बाद देखने से बेहतर है कि उसको एक टाइमली नजर में रखा जाए और जैसे ही कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो दिखती है किसी लीडर को अपने पर्सनल ग्रुप में तो वो कंपनी को इंटीमेट कर दे और उसका एक सॉल्यूशन ताकि हम टाइम रहते निकाल सकें। जी ठीक है साक्षी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। एक और इसकी क्लेरिफिकेशन आई थिंक रिक्वायर्ड है। अभी एक मैसेज आया है
कि नेगेशन पे नेगेशन का मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन ये है कि आपकी ऑर्डर कैंसलेशन वो जो आपने एक महीने में ऑर्डर किए हुए थे और क्लोजिंग के बाद वो नेक्स्ट मंथ में जाके वो ऑर्डर कैंसिल हुआ। क्योंकि कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि हमारे हम जिनको WFT ऑर्डर्स कहते हैं, मैं लीडर्स को मुखातिब कर रहा हूँ इस वक्त, कि WFT ऑर्डर्स होते हैं कि आपके कंसल्टेंट ने ऑर्डर किया लेकिन अगर उसकी पेमेंट एक सर्टन टाइम पीरियड में नहीं आई तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है ड्यूरिंग द मंथ या आफ्टर सर्टन आवर्स। तो वो ऑर्डर्स ऑब्वियसली इसमें अकाउंट नहीं किए जाएंगे, इसमें वही ऑर्डर्स अकाउंट फॉर होंगे जो एक क्लोजिंग में आपके ऑर्डर्स कंसिडर हो गए, मंथ क्लोज हो गया और उसके बाद जाके ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे। तो ये मैं क्लियर करना चाह रहा था कि इसमें आप इस चीज़ से ना घबराइएगा कि ड्यूरिंग द मंथ वाले आपके ऑर्डर भी कंसिडर किए जाएंगे। राइट साक्षी, और नेक्स्ट पॉइंट पे मैं कहा था आपने, इसमें सिर्फ वही ऑर्डर्स आते हैं जो एक महीने में डलकर उसके अगले महीने में कैंसिल हुए हों। अगर आपने आज ऑर्डर लगाया है और आपसे ऑर्डर आपको लग रहा है कि गलत लग गया है और आपने उसको तुरंत ही कैंसिल करवा दिया, तो वो ऑर्डर इस नेगेशन के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच साक्षी। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि एक ब्रांड पार्टनर पूछ रहे थे कि अगर मैं शेयर करना चाहूँ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो अपनी अपनी वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है, तो मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूँ या ना करूँ। उसके ऊपर साक्षी ने ऑलरेडी कहा भी है कि हमारी रिकमेंडेशन फर्स्ट उस केस में यही होती है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो शेयर का बटन लगा हुआ है आपका हर प्रोडक्ट के साथ, जिसके ऊपर प्राइस भी आ रही होती है, उसके ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही होती है और कंप्लीट डिटेल्स आ रही होती हैं, तो जब आप इस तरीके से हमारी वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं अपने चैनल्स के अंदर, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वहीं से शेयर का बटन दबाएँ और बग़ैर किसी ज़्यादा मुश्किल को फेस किए हुए पूरी और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप शेयरिंग फंक्शन के थ्रू अपने जिस भी चैनल पे डालना चाह रहे हैं वहाँ पे शेयर कर दें। और इसके अलावा अगर आप अपने पास से करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको थोड़ा सा हैसल करना पड़ेगा कि जी आप पिक्चर ज़रूर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट की पिक्चर, अगर कहीं पे आपको लिमिटेशन आ रही है कि आप अपनी पोस्ट लिखना चाह रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से आप पिक्चर एग्जैक्टली कम्प्लीट पिक्चर अगर शेयर करते हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। राइट साक्षी, मैं कुछ और जी सही बताया आपने कि अगर वो चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन वेबसाइट पर लिखी है उसे अगर वो अपने ब्लॉग में या अपने किसी वेबसाइट में सिर्फ प्रमोशन के पर्पसेस के लिए अगर दिखाना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, और वो हमारे वेबसाइट का टैग फीचर यूज करके भी उसे शेयर कर सकते हैं आगे। लेकिन अगर वो अपनी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पर हाँ प्रमोशन करना बिल्कुल बहुत ही अच्छा आइडिया भी है और सजेशन भी, तो वो बिल्कुल जरूर कर सकते हैं, चाहे वो अब खुद से लिखना चाहें उस हमारी दी हुई डिस्क्रिप्शन को अपनी वेबसाइट में, तो वो वैसे भी कर सकते हैं और शेयर फीचर के थ्रू भी कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक और क्वेश्चन आ रहा था, अभी दो क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट आई थिंक वी आर रीचिंग टू द एंड ऑफ द सेशन। एक क्वेश्चन तो ये कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि जी पॉलिसी, मुझे फलां पॉलिसी का पता नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी पॉलिसीज जो हैं वेबसाइट के ऊपर ओपनली अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे जाएं वहाँ पे आपको सारी पॉलिसीज जिसमें कोड ऑफ एथिक्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हमारी डिजिटल गाइडलाइंस हैं, हमारी जो है नेगेशन की पॉलिसी है, हमारी रिटर्न्स की पॉलिसी है, सारी की सारी पॉलिसीज जो है हमारी ओपनली वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। आप काइंडली वहां पे जाएं, उनको देखें, पढ़ें, वहां पे मोस्ट अपडेटेड वर्जन उनका अवेलेबल होगा, और उन पॉलिसी से रिलेटेड अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप COE के चैनल से या अपने जो ASMs हैं उनसे रابطہ करके, हमारी कस्टमर एक्सपीरियंस टीम से रابطہ करके उनसे वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। तो इसके अलावा अभी मैं देख रहा हूँ कि अगर और कोई एक आध और क्वेश्चन मेरे पास हो कोई ऐसा। जी ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे नज़र आया अभी कि एक ब्रांड पार्टनर पूछ रहा कि जी अगर खुद से कोई दुकानदार है
और उसने किया हुआ है ओरिफ्लेम, ज्वाइन किया हुआ है, वो मेंबर भी है ओरिफ्लेम का, तो उस केस में वो दुकान पे अपनी प्रोडक्ट रख के बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? तो ऑब्वियसली ये चीज अलाउड नहीं है किसी भी रिटेल स्टोर में, चाहे वो किस भी तरह का दुकान हो, और आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे मेंबर हैं, तो भी आप अपने दुकान में सामान रख कर नहीं बेच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच साक्षी, थैंक यू। और इसके बाद साक्षी आपके पास अगर कुछ है और फाइनल वर्ड्स कोई सेशन के बारे में शेयर करने के लिए, हम लोग तो बहुत अच्छे कमेंट्स भी मुझे मिल रहे हैं, वैसे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि काफ़ी डिटेल्ड सेशन आपने किया, और फ्यूचर में भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके साथ हम सेशन मिलके भी रखें ताकि लोग ज़्यादा इंटरेक्टिवली और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है COE की जो पॉलिसीज हैं हमारी और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको समझते रहें और अपने बिजनेस को एथिकली बिल्ट अप करते रहें ओरिफ्लेम के साथ। थैंक यू सो मच असलम, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि हम हर महीने में एक सेशन ऐसा रखें जहाँ पर हम सब हमारे लीडर्स को बुलाएं और उनके क्वेश्चंस, ये पहला सेशन था तो शायद उनके पास अभी ज़्यादा क्वेश्चंस ना हो, पर हम अगले सेशंस में भी उनके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हम ज़रूर उनको आंसर करेंगे, हम यहाँ हैं उनके साथ उनकी हेल्प करने के लिए ताकि वो अपना बिजनेस बहुत सही तरीके से ग्रो कर सकें और सस्टेनेबली उसको बनाए भी रखें उस ग्रोथ को। तो बस यही कोशिश रहेगी हमारी भी कि आपको जो सपोर्ट चाहिए हम जरूर आपको प्रोवाइड करें। जी थैंक यू वेरी मच। सो लीडर्स और ब्रांड पार्टनर्स, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा टाइमली ज्वाइन किया और उसके बाद आप लोगों ने काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को पूरी को बहुत गौर के साथ सुना, आपने उसको समझा, आपने बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस किए। तो इंशाल्लाह हमारा रابطہ आपसे मुस्तकिल है, आप किसी भी वक्त कोई COE से रिलेटेड कंप्लेंट रेज करना चाहते हैं तो आपको जैसा कि पहले से पता है कि COE.Pakistan का हमारा ईमेल एड्रेस है COE.Pakistan@oriflame.com, मैं इस चैट के अंदर टाइप इन भी कर देता हूं, तो आप किसी भी वक्त उस के चैनल के ऊपर अपनी कंप्लेंट या आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन चाहिए हो COE से रिलेटेड, सो यू आर वेलकम टू रीच देयर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच विवेक फॉर जॉइनिंग अस फॉर सच अ लॉन्ग सेशन एंड गिविंग अस यू नो अ वेरी वैल्यूएबल एडवाइस एंड गाइडेंस। ताहिर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल, आप हमेशा से ही बहुत हमारे लिए जो है वो एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं, और कंसल्टेंट्स भी जो ब्रांड पार्टनर्स भी हैं वो भी आपकी बात को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गौर से और वेट के साथ सुनते और फॉलो कर रहे होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने COE के सेशन को ज्वाइन किया और कंसल्टेंट से बात की सर। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल सेशन, स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड वंस अगेन फ्रॉम इंडिया। Thank you, Khuda Hafiz. Thank you very much, Sakshi, for all the effort and all the hard work you have done behind this session. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you, everyone, for joining in. Thank you. Bye-bye. Take care. Thank you. Thank you.